हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बारिश में गाड़ी को जब ड्राइव करते हैं तो स्पेशली जो बिगनर हैं, जो नए ड्राइवर हैं दोस्तों, उनको एक दिक्कत आती है कि जो हमारी गाड़ी की विंडशील्ड है, जो सामने वाला ये जो ग्लास है, इस पर फॉग आ जाती है। फॉग आने के कारण दोस्तों विजिबिलिटी कम हो जाती है और गाड़ी को वो ड्राइव नहीं कर पाते। और फॉग हटाने के लिए दोस्तों या तो वो इस तरह से हाथ फेरते हैं जिससे विंडशील्ड और ज़्यादा गंदी हो जाती है, उस पर धब्बे लग जाते हैं, या फिर किसी कपड़े का सहारा लेते हैं, जो कि गाड़ी को ड्राइव करते समय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि आप जब विंडशील्ड को क्लीन करते हैं तो आपका ध्यान विंडशील्ड पे होता है, ना कि सामने, और एक हाथ से गाड़ी को जब ड्राइव करते हैं तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज का जो वीडियो दोस्तों स्पेशली बिगनरों के लिए होने वाला है, और अगर आपको भी नहीं पता है कि किस तरह से विंडशील्ड से फॉग हटाना है फॉगी सीजन में या फिर रेनी सीजन में, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। कम समय में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, विंडशील्ड में फॉग क्यों जमती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, गाड़ी पूरी तरह से पैक्ड होती है, बारिश के दौरान पानी अंदर ना आ जाए, इसलिए हम लोग विंडो को पूरी तरह से ऊपर कर देते हैं। अब विंडो ऊपर करने के कारण क्या होता है दोस्तों, गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर हम लोग मौजूद हैं और हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है केबिन का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले। इसी वजह से विंडशील्ड में अंदर से फॉग आ जाती है। ठीक है, तो गाड़ी में जितने ज़्यादा लोग होंगे उसी हिसाब से जल्दी फॉग आना स्टार्ट हो जाएगी। आपने महसूस किया होगा गाड़ी में अगर ज़्यादा पैसेंजर है तो फॉग बहुत जल्दी आने लग जाती है, और ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि बारिश कितनी तेज़ हो रही है या फिर बाहर का टेम्परेचर कितना है। ऐसा ही फॉगी सीजन में भी होता है। ठीक है, अब इसको हटाना कैसे है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको दोस्तों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपकी गाड़ी में मैनुअल एसी हो या फिर ऑटोमेटिक एसी हो, ऑटोमेटिक एसी वालों को तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। एक स्विच दिया होता है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये फ्रंट डिफोगर का स्विच है और ये रियर डिफोगर का स्विच है। तो रियर डिफोगर तब काम करता है जब आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो, और ये दोस्तों रेनी सीजन से ज़्यादा फोगी सीजन या फिर सर्दियों के समय, विंटर के समय ज़्यादा काम आता है। अब आपकी गाड़ी की जो रियर विंडशील है ना, इस पर आप लाइनें देख रहे होंगे, तो ये गर्म हो जाती हैं, जिस वजह से हीटिंग की वजह से जो विंडशील पर आया हुआ फोग है वो हट जाता है। अब ऐसा सिस्टम दोस्तों फ्रंट में नहीं दिया जाता, क्योंकि फ्रंट में विजिबिलिटी प्रॉपर चाहिए। अगर लाइनें देखेंगी तो प्रॉपर विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी और आपको वो डिस्टर्ब करेगी गाड़ी को ड्राइव करते समय, इसलिए रियर में इलेक्ट्रॉनिक डिफोगर दिया जाता है जो कि हीटिंग के माध्यम से विंडशील्ड को क्लीन करता है, फोग को हटाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाएंगे। और एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एयर वेंट दिए गए हैं दोस्तों, और अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी एयर वेंट दिए गए हैं। तो ये एयर वेंट दोस्तों विंडशील्ड को हवा पहुँचाएंगे, और ये साइड वाले जो एयर वेंट है, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी को नहीं पता होंगे, तो इनका काम ये होता है कि यहाँ पर जो ग्लास का एरिया, ये जो आपका मिरर है उसको कवर करता है। फोग अगर आएगी तो ये पूरा कवर हो जाए, तो आपको रियर का व्यू नहीं मिलेगा। इसी तरह से वहाँ पर भी दिया गया है, तो रियर व्यू नहीं मिलेगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर साइड में कोई गाड़ी है तो ब्लाइंड स्पॉट के कारण आप देख नहीं पाएंगे, पर एकदम से अगर आप टर्न करेंगे तो गाड़ी टकरा सकती है दूसरे व्हीकल से। तो यहाँ पर भी आपको ये पेंट दिए होते हैं जिससे इस तरफ का एरिया पूरा क्लीन हो जाए। अब इसको क्लीन कैसे करना है, जैसे मान लीजिए फॉग आ गया, तो आपको ऑटोमेटिक एसी में तो आपको इसको दबा देना है। ठीक है, तो गाड़ी चल रही होगी तो एसी भी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं एसी स्टार्ट हो गया, फ्रंट का डिफोगर जैसे स्टार्ट हुआ तो विंडशील्ड की जो हवा है ना, वो यहाँ से आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आप जो साइन देख रहे हैं, देखिए ये साइन आ गया, यानी कि विंडशील्ड पर हवा यहाँ से आ रही है, और ये जो आप देख रहे हैं ना वेंट सामने वाले, इन पे कोई भी एयर नहीं आ रही, एयर फ्लो आपका यहाँ पर हो गया है। तो इससे आपने ये तो समझ लिया कि विंडशील्ड क्लीन करने के लिए आपको हवा का डायरेक्शन इस तरफ करना है। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल एसी है तो उसमें आपको एयर फ्लो डायरेक्शन वाला जो घुमाने वाला स्विच होता है ना, उस पर ये दिया होगा, ये वाला साइन आपको दिख रहा होगा, उस पर कर देना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डैशबोर्ड पर जो वेंट दिए गए हैं इससे एयर आएगी। ठीक है, घुमा के इस तरफ कर देना। साथ में अगर आपकी गाड़ी में स्लाइडिंग वाला स्विच है जिससे फ्रेश बाहर की हवा केबिन के अंदर आती है, तो उसको स्लाइड कर देना है। अब मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिया गया है, तो आपने देखा कि ये भी बंद हो गया, पहले ये ऑन था, यानी कि पहले केबिन की हवा ये ले रहा था। आप यहाँ देखेंगे ये साइन होता है, केबिन की हवा ले रहा था, और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया फ्रंट डिफोवर को, तो ये भी बंद हो गया, यानी कि अब ये बाहर से फ्रेश हवा ले रहा है। तो आपको भी स्लाइडिंग वाले स्विच को इस तरह से स्लाइड करके बाहर की हवा केबिन में लेनी है। पहली चीज एयर फ्लो डायरेक्शन इस तरफ करना है, यानी विंडशील्ड की तरफ कर देना है। दूसरा, बाहर की हवा केबिन के अंदर लेनी है, और
आप चाहे तो एसी का यूज भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा जल्दी फॉग हट जाता है। और अगर आप चाहे तो एसी को ऑन मत कीजिए, इतना काम आपको करना है और आपकी जो ब्लोअर की स्पीड है उसको फुल कर दीजिए तो जल्दी से फॉग हट जाएगा। लेकिन अब अगर आप एसी को चला देंगे तो थोड़ा और जल्दी हट जाएगा। लेकिन आप बाहर की हवा ले रहे हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे बाहर की ठंडी हवा केबिन में आएगी ना, तो भी फॉग हट जाएगा। लेकिन इंस्टेंट हटाना है तो एसी को आपको ऑन कर देना है। तो कुछ वीडियो मैंने कहा है कि एसी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एसी को अगर आप चला लेंगे तो इंस्टेंट हट जाएगा। अगर आप एसी नहीं चलाएंगे तो धीरे धीरे फॉग हट जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं हटती, तो बिल्कुल प्रॉपर हट जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों विंडशील्ड पर और यहाँ पर साइड में जो विंडो के ग्लास होते हैं उस पर जो फॉग आती है वो हट जाती है, क्योंकि यहाँ से जो है एयर फ्लो आ रहा है, साथ में यहाँ से भी एयर फ्लो आ रहा है जो कि यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेश एयर वाला जो स्विच होता है जिससे बाहर की हवा केबिन में आती है, इसको ऑन करना जरूरी है। और आपकी गाड़ी का जो मैनुअल एसी है उस पर लिखा भी रहता है यूज विथ, यानी कि जब भी आप इस डायरेक्शन में ये जो आप साइन देख रहे हैं ना विंडशील्ड की तरफ एयर फ्लो करेंगे उसमें लिखा होता है यूज विथ, तो उसके साथ में आपको ये बाहर की हवा का भी यूज करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप विंडशील्ड को तुरंत ही क्लीन कर सकते हैं, फोग को हटा सकते हैं, तुरंत ही आपकी गाड़ी से जो फोग है विंडशील्ड से वो हट जाएगा बारिश के दौरान या फिर विंटर के दौरान। छोटा सा काम आपको करना है, अगर आपको पता है तो तुरंत ही फोग आप हटा सकते हैं, अदरवाइज आप परेशान होते रहते हैं। तो ये सही मेथड है विंडशील्ड से फोग हटाने का। आपको ये जानकारी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने लोगों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।